हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। आप सभी को ईद मुबारक। आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए ईद लुक। आई होप आपको अच्छा लगेगा। मेरे चैनल पर DIY, फैशन, हैक, ब्यूटी रिलेटेड आपको प्रोडक्ट रिव्यू, सबका ऑनेस्ट रिव्यू मिलेगा मेरे चैनल पर। आप मेरे चैनल पर नए हैं, इस तरीके की वीडियो में इंटरेस्टेड हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। राइट साइड एक बेल आइकन है, बेल आइकन को हिट करके ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जितनी भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ वो आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए, कुछ इस तरीके से मैंने आज ये लुक फॉलो करा है। आई होप आपको अच्छा लगेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे, पहले आप फेस वॉश कर लें, कोई अच्छे से अपने जो आपको फेवरेट है फेस वॉश वगैरह, सॉप वगैरह, उससे अपने फेस को क्लीन आउट कर लें। एंड उसके बाद आप यूज़ कर सकते हैं विटामिन सी का ये टोनर। मैं ये टोनर अप्लाई करूंगी, समर सीजन है, समर सीजन में ज़्यादा स्वेट आता है आपकी स्किन पर एंड ज़्यादा आपकी स्किन रफ सी लगती है, तो आप इसे ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा टोनर है, मैं इसे पर्सनली यूज़ करती हूँ एंड मैंने इसका रिव्यू भी करा है अपने चैनल पर। अगर आपको देखना है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। मैं इसको अपने फेस पर इसे अप्लाई करती हूँ पहले। ये आपके पोर्स को मिनिमाइज करता है, लॉक करता है, आपके बेस को एक फ्लॉलेस लुक देता है। आप इसे जरूर यूज करें। ये ग्लो टोनर है, आपकी स्किन को अच्छा सा ये ग्लो भी देगा एंड आपकी स्किन को फ्लॉलेस भी बनाएगा। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है पर्सनली, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। मैं सबका परचेज लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जो वहाँ से भी मैंने मंगवाया था। मैंने ये पर्पल से मंगवाया था, आई थिंक मैंने ये पर्पल से मंगवाया था एंड मैंने इसका रिव्यू भी कराया अपने चैनल पर। अगर आपको देखना है तो आप जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पर। मैंने टोनर अप्लाई कर लिया है, अब मैं अप्लाई करूँगी अपनी पॉन्स की जेल क्रीम। ये सुपर लाइट जेल क्रीम है पॉन्स की। अगर आपको लेनी है, आपकी ऑयली स्किन है या आपकी ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा ग्लोसी स्किन है, तो आप इसे ज़रूर ले सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप ये वाली ले लें, क्योंकि समर सीज़न के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है ये वाली क्रीम। मतलब जेल है ये, पॉन्स का मॉइस्चराइज़र है। ये है पॉन्स का सुपर लाइट ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर। आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है एंड विटामिन सी है, ग्लोई स्किन रहती है एंड नॉन स्टिकी रहती है आपकी स्किन। इससे आप, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप इसे ज़रूर लें, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। मैं पर्सनली इसे यूज़ करती हूँ बहुत टाइम से। आपने देखा होगा, देखा भी होगा मेरी वीडियो में, मैं इसे बहुत टाइम से यूज़ करती हूँ। इसे ज़रूर ले सकते हैं, बहुत ही अच्छी मुझे जेल लगता है, सुपर लाइट जेल है। इससे अच्छे से ग्लो मेंटेन करती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको लेना है तो आप इसका ले सकते हैं। मेरे पास इसका ये लार्ज साइज़ है। अगर आपको लेना है तो इसका एक मिनी साइज़ भी आता है। ये 47 ग्राम का है, एक शायद 35 ग्राम का भी आता है शायद। ये वो 149 रुपीज़ में आता है एंड ये 299 रुपीज़ है। हमेशा आपको डिस्काउंट में मिल जाएगा, पर्पल अमेजोन या नायका जहाँ पर भी देखें आपको हमेशा डिस्काउंट में मिलता है। अगर आपकी ज़्यादा ही ग्लोसी स्किन है तो आप इसे ले सकते हैं। ये नॉन स्टिकी है एंड सुपर लाइट जेल है, ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र है एंड हम नेक्स्ट यूज़ करेंगे। अब मैं इसे यूज़ करूँगी प्राइमर को। मैं सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, मैं कौन सा प्राइमर यूज़ कर रही हूँ, कौन सा प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ, मैं सबका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। मैं प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। प्राइमर यूज़ करना आपको ज़रूरी है, ये आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, आपके पोर्स को लॉक करता है एंड आपका बेस बहुत ही ज़्यादा फ्लॉलेस बनाता है एंड आपकी स्किन पर जितना भी ब्लैक पड़ जाता है आपका मेकअप, ये उससे पड़ने नहीं देता। बहुत अच्छा है ये वाला प्राइमर, आप ये ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। मैं सबका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। मैं बहुत ही ज़्यादा सटल लुक करूंगी, कुछ ज़्यादा हैवी लुक करने की नहीं हो, बहुत ही ज़्यादा हल्का मैंने आउटफिट डाला हुआ है, इसके अकॉर्डिंग मैं बहुत ही ज़्यादा सटल लुक करूंगी, ज़्यादा हैवी लुक नहीं करूंगी मैं इसके अकॉर्डिंग। प्राइमर लगाना बहुत ज़रूरी है, बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है। इस पर मैंने एक वीडियो बनाई थी, शॉर्ट वीडियो, प्राइमर एंड मॉइस्चराइज़र में फ़र्क होता है। अगर आपने नहीं देखी तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। मेरी ये आपसे टिप्स है, हर प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद 2-2 मिनट का आप ज़रूर गैप दें, इससे आपकी स्किन बहुत अच्छा बेस रेडी होगा आपका। 1 by 1 करके अगर आप लगा लेंगे तो बहुत ज़्यादा हैवी लुक हो जाएगा, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा केकी लगने लग जाएगी। इस वजह से आप हल्का हल्का 1-1 मिनट का आप ज़रूर गैप दें हर प्रोडक्ट में। अब इसके बाद मैं अप्लाई करूंगी, 2 मिनट का गैप मैंने दे दिया है। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा ग्लोई स्किन लग रही है एंड कितना ज़्यादा फ्लॉलेस स्किन अभी से ही लग रही है ये मेरी। मैंने सब चीज़ यूज़ कर लिया है एंड इसके बाद हम अप्लाई करेंगे फाउंडेशन। फाउंडेशन मैं कौन सा लूँगी मैं आपको अभी दिखलाती हूँ। मैं यूज़ करूँगी लैक्मे का 9 to 5 प्राइमर मैट परफेक्ट कलर फाउंडेशन।
फाउंडेशन, ये काफ़ी अच्छा फाउंडेशन है। एंड मेरा शेड है इसका C100 कुल आइवोरी, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं। अगर आप मेरे जैसे स्किन टोन के लिए हैं तो आप ये वाला फाउंडेशन ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। एंड इसके अदर और फाउंडेशन के कलर भी हैं, आप नाइका, अमेजोन, पर्पल कहीं पे भी जा सके देख सकते हैं, आपको और भी कलर मिल जाएंगे। अगर आपको लेने हैं तो इसके शेड आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर फ़ैन ऑन कर लिया था, बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी तो इस वजह से मैंने सोचा वॉइस ओवर कर दूंगी। मैं ये लैक्मे का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, इसकी मैं कितनी तारीफ करूँ, ये टू गुड है फाउंडेशन। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं किसी अच्छे फाउंडेशन में तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप ये वाला फाउंडेशन ले लें। इसमें प्राइमर मैट भी है, मतलब प्राइमर भी है, काफ़ी अच्छा लगता है अगर आपके पास प्राइमर वगैरह नहीं है। और ये मैंने कंसीलर भी नहीं यूज़ करूँगी इसके अंदर, ये एक फुल कवरेज फाउंडेशन है। मैं थोड़ा लाइट लगा रही हूँ क्योंकि मुझे एक सटल सा लुक करना है, समर लुक करना है थोड़ा ईद के लिए, तो इस वजह से मैं थोड़ा हल्का लगा रही हूँ इसे। मगर ये इतना अच्छा फाउंडेशन है, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो आप ले सकते हैं। ये नायका, अमेजोन, पर्पल हर जगह मिल जाएगा। मेरा शेड है कूल आइवोरी है इसके अंदर मेरा शेड, अगर आप अपने शेड के अकॉर्डिंग इसके ले सकते हैं। इसके 26 या 36 इसके शेड है, आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग ले लेना जो भी आपको अच्छा लगे। एंड मैं आपको बता दूँ ये वाला शेड बहुत ही कम मिलता है, मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई करा था जब जाके मुझे ये वाला शेड मिला। एंड अब मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का ये वाला कॉम्पैक्ट, ये ऑयल फ्री कॉम्पैक्ट है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा कॉम्पैक्ट है। इसकी मैंने अपनी हर वीडियो में भर भर के तारीफ करी है इस वाले कॉम्पैक्ट की। अगर आपको लेना है तो आप ये वाला, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ये वाला कॉम्पैक्ट ले लें। मैं अगर आप फाउंडेशन एंड कॉम्पैक्ट कब जब भी सिलेक्ट करें दोनों का शेड एक सा लें, जब भी आपका एक बेस अच्छा होगा, कोई डार्क लाइट का कॉम्प्लेक्शन नहीं हो जाएगा उससे। अब मैंने नेक पे भी लगाया था एंड मैं अपने एयर पे भी लगा लूँगी इसे, क्योंकि मैंने यहाँ फाउंडेशन लगाया था। अब मैंने स्विस ब्यूटी को रेड कलर लिया है पैलेट में से, क्योंकि मुझे एक सटल सा लुक क्रिएट करना है, तो मैंने इसका पहले क्रीज बनाई है एंड उसके बाद फिलिंग कर लेना है। क्रीज के अंडर में ही फिलिंग कर रही हूँ मैं इस अपनी पूरी आइज को, इससे अब मैं ऊपर जाऊँगी नहीं। एंड उसके बाद देख सकते हो आप दूसरी आइज पर भी मैं एक क्रीज सेट कर रही हूँ पहले एंड उसके अंदर फिलिंग कर रही हूँ। आप ऐसे करके अपना एक लुक क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर शिमर वगैरह कुछ अप्लाई नहीं करूँगी, बस एक ऐसे ही कलर छोड़ दूंगी, क्योंकि समर के अकॉर्डिंग इस तरीके का अगर आप लुक करते हैं तो आपको अगर स्वेट वगैरह भी आता है तो केक ही पैचिस ही नहीं हो जाती आपके आईज, इससे एक अच्छा सा लुक हो जाता है। एंड उसके बाद मैं स्विस ब्यूटी का ये मस्कारा यूज़ कर रही हूँ, इसकी भी मैं क्या तारीफ करूँ, इसकी तो जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। मैंने इसकी अलग से वीडियो बनाई है, जितने भी मैंने प्रोडक्ट यूज़ करे हैं उनकी सबकी मैंने अलग से वीडियो बनाई है, अगर आपको देखना है तो आप जाके देख सकते हैं, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ये मस्कारा बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल रेंज में काफ़ी अच्छा है। मैं यहाँ पर लाइनर वगैरह कुछ भी नहीं यूज़ कर रही, काजल वगैरह, क्योंकि मुझे एक अच्छा सा लुक, एक क्लीन सा लुक अपने फेस पर रखना है। तो मैं यहाँ पर इनर कॉर्नर पर हल्का सा शिमर लेकर अपनी आईज पर लगा रही हूँ, इनर कॉर्नर पर लगा लूँगी। एंड मैं ये स्विस ब्यूटी का लाइनर एंड इसके अंदर आईब्रो पैलेट आती है, ये काफ़ी अच्छी है, मैं इसके अंदर इसे लेकर अपनी आईब्रो को फिलिंग कर लूँगी। मैं लास्ट एरिया से, मतलब मिड पॉइंट से आईब्रो को फिलिंग करती हूँ, आगे से जो आगे का पॉइंट होता है वहाँ से नेचुरली छोड़ती हूँ, इस वजह से बहुत अच्छा लुक आ जाता है। वैसे मेरी खुद डार्क है, मैं यहाँ पर आईलैसेस लगाऊंगी, मैंने आईलैसेस का आइडिया ड्रॉप कर दिया क्योंकि मुझे ऐसे ही अच्छा लुक लग रहा था अपना। एंड मैं इसकी यहाँ पर ब्लशर अप्लाई कर रही हूँ पिंक कलर का, मुझे यहाँ पर क्योंकि ब्लशर इस वजह से अप्लाई करना है क्योंकि मैंने हल्की सी रेडिश आईज करी है, तो पिंक कलर का ब्लशर उस पर ज़्यादा अच्छा लगेगा। और एंड मैं हल्का सा न्यूट सा शेड भी हो जाएगा आपके फेस पर, मैं ये वाला ब्लशर यूज़ कर रही हूँ, मैं बिल्कुल मैट ब्लशर यूज़ कर रही हूँ ये वाला। मैंने चैनल पर अपने पे एक स्टिक कुर्की का ब्लशर भी आपको सजेस्ट करा था, वो भी काफ़ी अच्छा है, अगर आपको लेना है तो वो ले सकते हैं। मैं स्विस ब्यूटी का यहाँ पर हाइलाइटर लगा रही हूँ, ये वाला हाइलाइटर की भी मैंने अलग से वीडियो बनाई है, बहुत ज़्यादा हल्का सा लिटिल बिट लगाया है, तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा अच्छा सा लुक हो गया है इससे मेरा। एंड मैं यहाँ पर रेड कलर की लिपस्टिक लगा रही हूँ, मेरा बहुत ज़्यादा मन था, मैंने आज तक अपने चैनल पर कभी भी नहीं लगाई है रेड कलर की लिपस्टिक। एंड मेरा रेड कलर का कुछ आउटफिट था तो मैंने सोचा अपनी, जब मैंने आईज इतनी सटल करी है तो मैं थोड़ा सा रेड कलर का शेड डालकर लिपस्टिक में तो और ज़्यादा इसको लुक को अच्छा बना सकती हूँ, तो मैंने रेड कलर का लगा लिया। मुझे रेड कलर बहुत ही ज़्यादा पसंद है पर्सनली। एंड उसके बाद मैं अपना आईज पर इसे अप्लाई कर, लिप्स पर अप्लाई करने के बाद मैं अप्लाई करूँगी यहाँ पर स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्स है, इसकी भी मैंने अलग से वीडियो बनाई है। मैंने अपना हेयर स्टाइल में कुछ ज़्यादा टाइम वेस्ट करा नहीं है क्योंकि समर सीजन है, मैंने पीछे के साइड पोनी बना ली थी। एंड यहाँ पर मैं ऐसे पिन लगा लूँगी, ये मोती मोती वाले एकदम ट्रेंडी पिन है, बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, मेरे आउटफिट के अकॉर्डिंग भी अच्छे लग रहे थे। इयररिंग मैंने आपको दिखला ही दी है मैंने कौन से लगाया। एंड आगे से ऐसे फ्लिक्स निकाल लिए हैं मैंने अपने। एंड उसके बाद मैं ये वाले बैंगल्स वेयर करूंगी व्हाइट एंड रेड कलर के।
कुछ इस तरीके से है ये मेरा फाइनल लुक, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैंने सटल लुक फॉलो करा है, बहुत ज़्यादा लाइट वेट आईज बनाई है एंड मैंने थोड़ा सा डार्क रेड कलर की लिपस्टिक लगाने का मेरा बहुत मन था, मैं नहीं लगाई है एंड जब भी मैं रिव्यू करती हूँ, जब भी मैं कुछ डार्क लिपस्टिक नहीं लगाती हूँ, मुझे थोड़ा सा नेचुरल लिपस्टिक अच्छी लगती है, मगर मुझे आज रेड कलर का कुछ इस तरीके का आउटफिट पहना तो मैंने सोचा इस तरीके की लिपस्टिक लगा लेनी चाहिए, काफ़ी अच्छी लगेगी। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी, वीडियो हेल्पफुल रही तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है आर्की डेस्टिनी, मैं वहाँ पर भी रील्स वगैरह बनाती रहती हूँ। चलिए वीडियो को लास्ट करते हैं, आप सभी को ईद मुबारक, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव एंड सपोर्ट, बाय बाय।